अपडेट, पैच अपडेट, मेंटेनेंस ब्रेक रहने वाला है हमारे 9:30 से लेकर 6:30 बजे तक। एंड आप में से कोई भी बंदा गेम नहीं खेल पाएगा। अब रीज़न आपको पता है, क्योंकि गरीना बहुत कुछ अब ऐड करने वाला, तो क्या ऐड करेगा उस वीडियो में पता चलने वाला है। साथ ही साथ अगर वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके उतना शेयर करना, बिकॉज तुम्हारे भाई को थोड़ी सी नीड है तुम्हारे सपोर्ट की, तो हो सके उतना प्यार दो। सो चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे फटाफट बिना कोई देरी के। एंड हम सभी को पता है कि सर्दियों के मौसम हो चुके हैं स्टार्ट, तो गरीना अभी किस पे काम करेगी तुम्हें भी पता ही है, ठीक है। पहले OB31 में एक न्यू कैरेक्टर आने वाला है जिसका नाम है नायरी, एंड आइस आयरन उसकी कोई स्किल होने वाली है, जहां पर वो ग्लू वॉल को रिकवर करेगा ड्यूरेबिलिटी उसकी एवरी 1 सेकंड, और उसी का 25% डैमेज इंक्रीज कर देगा अगर तुम AR यूज करते हो तो। अगर सामने वाला तुम्हारे ग्लू वॉल पर डैमेज दे रहा है एंड वो डैमेज है, तो अपने आप वो रिकवर होती रहेगी एवरी 1 सेकंड में, एंड तुम यहाँ पर खुद देख सकते हो, एंड जब तक ग्लू वॉल मतलब हट नहीं जाते तब तक ये चलेगा, ठीक है। एंड अगर तुम AR गन यूज़ करते हो तो फटाफट ग्लू वॉल भी तोड़ सकते हो, दूसरी ये इसकी पावर है। तो देखेंगे आएगा तो पता चलेगा कैसा कैरेक्टर है, ठीक है। अब पैट की बात, तो ये तीन नाम का एक पैट आएगा जिसका ये रहेगा कि वो रिड्यूस करेगा 30% डैमेज कोई भी एक्सप्लोजिव, ठीक है, एवरी 90 सेकंड। अभी आएगा तो मैं एक्सप्लेन आपको अच्छे से करूंगा, बट अभी के टाइम में यही कहूंगा कि ये पैट जैसे हमारे ग्रेनेड हो गया, फ्लैशबैक हो गया, जो भी चीज़ है उससे आपको बचाएगा, 30% उसका डैमेज कम कर देगा। जैसे हमारा एक तुम बिस्टन को ले लो, 30% इंक्रीज करता है, तो ये 30% डिक्रीज करेगा। तो भैया यहाँ पर कुछ चेंजेस जरूर होने वाले, तो गरीना ने कुछ दिमाग लगाया है, तुम बताना जरूर कमेंट में कि पैट एंड कैरेक्टर तुम्हें कैसे लगे। एंड अगर ये तुम्हें फ्री में मिले तो तुम इसे लोगे कि नहीं लोगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है फ्री वाली, ठीक है। एक न्यू गन जिसका नाम है MAC-10 आने वाली है, एंड ये एक SMG गन होने वाली है, एंड ये लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज दोनों में ही जैसे हमारी UMP है उस टाइप की रहने वाली है। एंड तुम यहाँ पर गेम प्ले भी देख सकते हो, मतलब इसका रिकॉइल ऐसा कहा जा रहा है कि ये 12-11 गोली एकदम बराबर चलती है, उसका बहुत गंदा इसका रिकॉइल है, फिर भी अगर तुम देखो तो क्या ही हेड हार है, ठीक है। मतलब अच्छी गन भी है, एंड अब आएगी तो पता चलेगा एंड यूज़ करेंगे। एंड मेनली ये कहा जा रहा है कि AWM के साथ बहुत अच्छा कॉम्बो रहने वाला है, जो भी मतलब स्नाइपर प्लस कोई एक शॉर्ट रेंज की उसे हमारी UMP रखते थे, तो ये रखेंगे तो काफ़ी बेटर ऑप्शन होगा उनके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्लैश कॉर सीजन 10 के रिवॉर्ड के बारे में, तो हमें गोल्डन UMP यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, मतलब सुनहरी UMP, ओके। एंड क्लैश कॉर में बंदे UMP बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम सभी को पता है, तो भाई कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चेंज किया गया लोन वोल्फ में, ठीक है, तो वहाँ पर अब गन सिलेक्शन मैकेनिज्म चेंज किया गया है, तो थोड़ा अजीब है, पता नहीं कैसा आएगा था पता चलेगा। एंड जब मैच खत्म होता है स्टेट्स आते हैं, तो वहाँ पर तुम्हें अभी हेडशॉट के भी दिखने वाले हैं, ये लोन वोल्फ जो हमारा मोड है उसमें चेंजेस होने वाले हैं, एंड आएगा तो पता चलेगा भाई कैसा है, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक न्यू रैंक को ऐड किया गया है जिसका नाम है मास्टर, ग्रैंड मास्टर के पहले रहेगा ये, ठीक है। तो भैया कितने बंदे ग्रैंड मास्टर के पहले मास्टर जाने का सोच रहे हो, एक क्लेम बना के बताना कि भाई मैं जाऊँगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। देखो गरीना ने एक और चीज़ यहाँ पर इम्प्रूव की है कि जब हम कोई भी चीज़ को मार्क करते थे तो अब वो बहुत अच्छे से दिखेगी, जहाँ से तुम यहाँ पर देख सकते हो पर्पल कलर में ऐसे दिखेगी, तो इससे थोड़ा मैकेनिज्म और अच्छा होगा एंड बंदों को जल्दी पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो यही सब चेंजेस गरीना ने छोटे मोटे किए, जो मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिए हैं, जो ऑफिशियली गरीना ने खुद अपने चैनल पर डाले थे, मैंने वो आपको समझा दिया, ठीक है। अब ये बात है कि एक न्यू इंक्यूबेटर आने वाला है जो है M107 का, तो भैया इस बार M107 में कुछ चेंजेस नहीं हुए ना, नहीं हुए ना, ओके, ठीक है। न्यू बंडल्स यहाँ पर तुम देख सकते हो, ठीक है, एंड ये सारे बंडल आने वाले हो भी 31 में, तो भैया मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बंडल के ऊपर, जाने दो, स्किप करो। ग्लू हॉल्स देखो भैया, पहली ग्लू हॉल ही बहुत शानदार लग रही है मेरे को, यहाँ पर आएगी तो पता चलेगा, यहाँ पर तुम देख सकते हो कार एंड सबकी स्किन है, ठीक है। एंड यहाँ पर तुम और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे हमारी न्यू स्किन्स आने वाली गन स्किन्स, वो भी यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारे बैक पैक के स्किन्स है, वो भी देख लो। नहीं होगा कि क्रोनो का दी एंड होने वाला है OB31 में, ऑफकोर्स ये बात सही है, एंड इलाइट क्रोनो का कुछ सीन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका ब्लॉक था उसको 800 डैमेज तक कर दिया 600 की जगह OB31 में, और स्पीड को एकदम 0% कर दिया है, एंड इसका इफेक्ट 6 सेकंड तक रहेगा, और कुल टाइम टाइम कर दिया है 120 सेकंड। मतलब क्रोनो को अच्छा भी किया और ख़राब भी किया, बट इतना अच्छा कर दिया कि अब इसे कोई यूज़ नहीं करने वाला, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो यही के कैरेक्टर, इसमें अगर हम चेंजेस देखने जाए तो रिकवर 2 EP एवरी 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में होगा, और जो अभी के फिलहाल अभी के टाइम पे 2 सेकंड में दे रहा था, ठीक है, तो हाफ का डिफरेंस हो गया, मतलब फटाफट होगा, तो डबल हम कह सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी लिमिट है उसको 250 कर दिया है, एंड अभी के टाइम पे वो 150 थी, ठीक है। हमारा जो मैक्सिमम कैरेक्टर था उसके साथ तो भाई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मतलब पहले 40% था, अब तो भाई 30% डिक्रीज में डाल दिया। मतलब देखो इस कैरेक्टर का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हम सभी को पता है, फिर भी इसको देखा जाए तो यहाँ पर तो मेरे को सब इक्वली है, जस्ट एक चेंजेस आया कि एक्यूरेसी जो अभी 35 थी उसको 45 कर दिया, मतलब कुछ इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो एक कैरेक्टर में यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट भी देखने को मिला, बाकी में नेगेटिव पॉइंट्स। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।
यहाँ पर क्लैश कोड में कुछ चेंजेस आए कि अभी जो रिक्वेस्ट वाली चीज़ थी उसको अच्छा कर दिया, अब तुम और ज़्यादा रिक्वेस्ट मांग सकते हो, और ज़्यादा भीख मांग सकती हो, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारा वेस्ट इनलार्जर और हेलमेट थिकनर दोनों ही देख सकते हो, यहाँ पर कुछ न्यू अटैचमेंट में प्रीव्यू ऑलरेडी। अब यहाँ पर थोड़े बहुत और चेंजेस आए कि किल स्ट्रीक वॉल्यूम, यहाँ पर तुम वॉल्यूम तुम्हें देखने को मिलेगा, फिर फ्लैश बैंक का है कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ गरीना अब यहाँ पर डेवलप कर रही है, जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो किल स्ट्रीक नोटिफिकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी गेम में। एंड यहाँ पर बहुत कुछ साउंड में किया है इन्होंने, लिटरली बहुत कुछ किया, मैंने सुना है वाइब्रेशन का कुछ ऐड किया है, जिससे अगर कोई बंदा तुम्हारे पास होता है तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट करेगा, ये सब मैंने सुना है बट पता नहीं क्या है। एंड नोटिफिकेशन का भी थोड़ा चेंजेस किया है, मतलब गरीना कुछ ना कुछ तो अपने आप में डेवलप जरूर कर रही है, बट ये कितना अच्छा होने वाला है ये हम गेम खेलेंगे तब पता चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा गेम से बोर हो गया था लिटरली बहुत ज़्यादा, पर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जिप लाइन में कूल डाउन टाइम को ऐड कर दिया है, ठीक है, देख सकते हो। साथ ही साथ फ्री लुक भी यहाँ पर ऐड हो चुका है पैरासूट स्प्रिंट एंड ड्राइव में, तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब वेपन बैलेंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार 98 में रेट ऑफ फायर को 10% इंक्रीज कर दिया है, जो लिटरली बहुत ज़्यादा गंदा है। MP5X को और भी बढ़िया कर दिया, जो बहुत बढ़िया है। M60 को एक बहुत बढ़िया बूस्ट मिला है, तुम देख सकते हो रिकॉयल कम कर दिया है मशीन गन मोड में, ठीक है। एंड यहाँ पर स्कार में 10% रिकॉयल और कम कर दिया है, उसी के साथ रिलोड टाइम का देखे तो UMP और XMAT का बढ़ा दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ UMP में इफेक्टिव रेंज भी कम कर दिए, एंड इफेक्टिव रेंज MP5 में भी कम है, थॉमसन में भी कम है, UG में भी कम है यार, एंड MAG 7 में भी कम है, मतलब कुछ भी खरीदना कुछ भी, ठीक है। तो देखेंगे आएगा तब पता चलेगा। सो आपको क्या लगता है कौन सी गन सबसे बेस्ट होने वाली है मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपको क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर सबसे बेस्ट होने वाला वो भी बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, पीस।